निमो भी कैद है, हम इस वक्त वहां नहीं आ सकती। रोशनी मुझे कभी निमो से मिलने नहीं देगी, हमें कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। मैडम प्लीज कुछ भी कीजिए, पुलिस को बुलाएं, बस जिंदगियां बचा लें लोगों की, प्लीज। हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। सिकंदर और रोशनी बहुत खतरनाक है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमें सबसे पहले निमो और शायान को वहां से निकालना होगा किसी भी तरह। आबान को तलाश करने का काम मैं करूंगी, मैं हाई अथॉरिटी तक जाऊंगी। मैडम मगर हम शायान बाबा और निमरा मैडम को वहां से कैसे निकाल सकते हैं, उन लोगों की तो कड़ी निगरानी की जा रही है। मैं बताती हूँ तुम्हें आगे क्या करना। क्या बात है, आपके चेहरे पे क्यों 12 बजे? थक गई हूं मैं सिकंदर, ये सब कब खत्म होगा? कब मिलेगी मुझे मेरी खुशी? कब मिलेगा मुझे मेरा इंतकाम? बहुत जल्द मिलेगी आपको खुशी। वैसे भी अब तो सब कुछ प्लान हो चुका है, कल तुलू होने वाला सूरज आपका है, सिर्फ आपका। मेरी मलका आलिया, इस निम्मो को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, एक एक सांस बस आप बना दूंगी उसके लिए। अब फिर उसकी आंखें, उसकी आंखें होने की आपान की मौत, बिल्कुल ऐसे जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। वैसे डैड क्यों ना हम निमरा को अबान के पास ले चले, कितना मजा आएगा ना, दोनों एक दूसरे को अपने सामने मरते हुए देखेंगे। जी मैडम, आपने सुना जो बातें इन लोगों ने की हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं ये सबूत के तौर पर अपने पास सेव रखूंगी। मैडम ये बहुत सालिम लोग हैं, अबान बाबा और निम्रा मैडम को मार देंगे। आलम रिलैक्स, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने तुम्हें जो कहा है बस तुम वो करो। अबान को पुलिस बाजियाब कराएगी, तुम इस वक्त सिर्फ निम्मो और शायान को सेव करो प्लीज। मैडम आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा? आलम करना होगा, देखो इस वक्त तुम्हारे अलावा उस घर में ऐसा कोई नहीं है जो ये रिस्क ले और निमो और शायान को बचाए। जी मैडम मैं करूंगा, मैंने रीना मैडम का नमक खाया, मैं अपनी जान पे खेलकर शायान बाबा और निमरा मैडम को बचाऊंगा। देखो किसी को शक नहीं होना चाहिए तुम पर, वरना सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जी मैडम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा आप जब कॉल करो तो मेरे दूसरे नंबर पर करना। ठीक है मैडम, आप बेफिक्र। निम्रा मैडम प्लीज उठिए, मैं आपको लेने आया हूँ।
जल्दी कीजिए मैडम, मैं अबान और शायान के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम वो लोग भी आ जाएंगे। ताहिरा मैडम ने कहा कि फिलहाल आपको और शायान बाबा को यहाँ से निकालो। प्लीज ज्यादा बातें नहीं कीजिए, अगर कोई आ गया तो हम सब फंस जाएंगे। मैडम मैं उन्हें भी ले लेता हूँ, आप तो आइए प्लीज, जल्दी कीजिए, जल्दी प्लीज। मैडम 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 वो हाँ बको भी। मैडम शायान मेरे कमरे में नहीं है। क्या कहा तुमने? शायान कमरे में नहीं, कहाँ गया है वो? तो बेहोश था ना। मैडम मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, लगता है निम्मू भाभी उठा के ले गई उसे। निम्मू निम्मू सिकंदर, जायान, सिकंदर! क्या बात है मॉम, क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ है, क्यों शोर मचाया हुआ है? निम्मो भाग गई है। क्या निम्मो भाग गई है? मैं नहीं जानता, मैं आपसे जो बोल रहा हूं वो करें, मुझे वो लड़की लाजमी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपने वो करना है। ओके बाय। तुम लोगों को कहा था कि हाई अलर्ट रहना, हमारी इजाजत के बगैर कोई बाहर जाना नहीं चाहिए, फिर निम्रा बच्चा लेके कैसे भागी? सर हमारा यकीन कीजिए, हम अलर्ट हैं, हमने उनको नहीं जाने दिया, हम नहीं जानते कि वो कैसे घर से बाहर निकल गए। क्या खा के लड़ते? सर वो आलम घर पर नहीं है, अशफाक ने मुझे बताया कि वो सुबह फजर से गायब है और वो आपकी गाड़ी भी लेकर गए। सर आलम तो रोज फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं। वही है, उसी ने निम्मू और शायान को भगाया है। जाओ जाकर ढूंढो। चलो जियान, शकील के बंदों को साथ लेकर जाओ, मैं उसे फोन कर देता हूं। और सुनो जिंदा मत छोड़ना, जहां भी मिले मार डालना, और सबसे पहले वहां जाकर ढूंढो जहां से वो आई थी। पर अगर वो पुलिस की चली जाए तो? नहीं जाएगी।